ये कहानी मध्यकालीन समय की है और हमें ओरिया इस राज्य को दिखाया जाता है। एक दिन यहाँ का राजा अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का शिकार करने के लिए जाता है। एक ऊंचे पहाड़ी पर उस ड्रैगन की गुफा है। अब राजा और उसके सैनिक गुफा के अंदर चले जाते हैं। काफी ढूंढने के बाद राजा को ड्रैगन के 3 अंडे सामने दिखाई देते हैं। उनमें से बच्चे बाहर आते हैं, लेकिन तभी वो ड्रैगन वहाँ पे आ जाती है और सारे सोल्जर्स को जलाकर राख कर देती है। ये देख राजा अपने तलवार नीचे करके ड्रैगन से माफी मांगने लगता है कि मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। लेकिन ड्रैगन कहता है तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये शॉट इधर ही कट हो जाता है और हम कुछ सदियों के बाद देखते हैं। एलिडी और फ्लोरिया इन्हें हम देखते हैं जो एक छोटे से राज्य की राजकुमारियां हैं। लेकिन इनके राज्य में 12 महीने काफी ठंड और बर्फीला मौसम होता है, इसीलिए यहाँ के लोग काफी ज्यादा परेशान है। उनके पास खाना और पानी भी नहीं है। एक दिन एलिडी लकड़ियां काट रही होती है कि तभी वो देखती है कि किसी बड़े राज्य के लोग उनके घर आए हैं। वो तुरंत घर जाकर देखती है तो उसके पिता उसे बताते हैं कि ओरिया इस राज्य के लिए तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। काफी बड़ा राज्य है, तुम प्रिंस हेनरी से शादी करोगी और वहाँ पे तुम खुश रहोगी। एलिडी पहले तो मना कर देती है, लेकिन उसके पिता और उसके स्टेप मदर उसे समझाते हैं कि प्रिंस हेनरी काफी अच्छा लड़का है, तुम एक बार उससे मिल लो। और इसीलिए एलिडी मान जाती है। और कुछ दिनों के सफर के बाद ये लोग ओरिया इस राज्य में पहुंचते हैं। यहाँ पर हर जगह हरियाली देखकर एलिडी और फ्लोरिया काफी खुश हो जाते हैं। इनके लिए पूरा नया एक्सपीरियंस होता है। इन्हें अपने अपने रूम्स दिखाए जाते हैं। काफी आलीशान महल था। अब उसी शाम को एलिडी जब बालकनी से देख रही होती है तभी उसे सामने एक लड़की दिखाई देती है और दोनों भी एक दूसरे को करते हैं। खैर अब इसके बाद रात हो जाती है, लेकिन एलिडी को नींद नहीं आ रही थी इसीलिए वो वापस बाहर आती है। तब वो देखती है कि दूर पहाड़ी पर कुछ लोगों का कोई रिचुअल चल रहा है। खैर अब अगले दिन एलिडी की फैमिली ओरिया की क्वीन, उनका बेटा हेनरी और किंग से मिलते हैं। इनकी मीटिंग काफी अच्छे से होती है, जिसके बाद एलिडी और हेनरी दोनों भी बात करने के लिए निकल जाते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। बातों ही बातों में एलिडी उससे पूछती है कि पिछले रात को मैंने पहाड़ी पर कुछ देखा था। तब प्रिंस बताता है वहाँ पर हमारे पुश्तैनी भगवान है और उन्हीं की पूजा चल रही थी। तो यहाँ दूसरी जगह पे क्वीन एलिडी के पिता के साथ एक मीटिंग लेती है, लेकिन मीटिंग में कुछ ऐसी बातें होती है जिसके कारण एलिडी के पिता मीटिंग के बाद बहुत ही ज्यादा टेंशन और स्ट्रेस में निकलते हैं। हालांकि इसके बारे में वो अपनी पत्नी यानी स्टेप मदर को भी कुछ नहीं बताते, लेकिन एलिडी की स्टेप मदर को समझ आता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो क्वीन से बात करने के लिए जाती है। लेकिन क्वीन भी उनका काफी इंसल्ट करके उन्हें यहाँ से जाने कहती है। अब स्टेप मदर को समझ आता है कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, इसलिए उसी रात वो एलिडी के पास जाकर कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, शायद तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी एलिडी के पिता आकर स्टेप मदर को वहाँ से जाने कहते हैं। अब अगले दिन एलिडी को काफी सजाया जाता है और उनके वेडिंग सेरेमनी शुरू होती है, जिसके बाद मेलिडी अपने पेरेंट्स को गुड बाय कहती है और प्रिंस उसे उन्हीं पहाड़ों में लेकर जाता है। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे काफी अजीब से लोग मास्क पहने दिखाई देते हैं। वो देखती है दोनों जगह पे बड़ी सी खाई है और बीच में रास्ता है। उस तरफ क्वीन खड़ी होती है, जो वापस एक छोटी सी सेरेमनी करते हुए कहती है कि ओल्ड गॉड्स, हम तुम्हें हमारा सैक्रिफाइस देंगे, उसे अपनाओ। और वो एलिडी और हेनरी के हाथ पर एक कट करती है और दोनों के भी हाथ मिला लेती है, जिसके बाद वो एलिडी को प्रिंसेस ऑफ ओरिया घोषित कर देती है। इसके बाद प्रिंस उसे उठाकर लेकर जाने लगता है और उसे सीधा खाई से नीचे फेंक देता है। एलिडी चीखते हुए नीचे गिरती है और वही बेहोश हो जाती है। अब होश में आने पर उसे समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। वो जोर जोर से लोगों को बुलाने लगती है। अब एलिडी खुद को संभालने के बाद अपने आसपास काफी सारी ज्वेलरी, शूज ये गिरा हुआ देखती है और उसे समझ आता है क्वीन जिस सैक्रिफाइस की बात कर रही थी वो और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। अब इसी दरमियान गुफा के अंदर से उसे काफी सारी आवाजें सुनाई देती है, इसीलिए वो अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे काफी सारे जलते हुए पंछी दिखाई देते हैं। वो आसपास देखने लगती है कि तभी ड्रैगन के गुर्राने की आवाज आने लगती है। ड्रैगन की बड़ी सी टेल देखकर वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन उसे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो एलिडी उसे बता देती है। तभी ड्रैगन कहती है कि जो मुझे प्रॉमिस किया गया है उसे मैं लेके रहूंगी और एलिडी के ऊपर आग से हमला कर देती है। लेकिन एलिडी सामने की एक गुफा में छुपने चली जाती है
और तभी उसे एक लड़की की लाश दिखाई देती है। ये लड़की वही थी जिसे उसने पिछले रात देखा था। ड्रैगन भी उसी गुफा में आने लगता है, इसीलिए एक छोटी सी गैप में वो छुपने चली जाती है। लेकिन ड्रेस के अंदर जो लकड़ी का घेरा होता है उसके कारण वो बीच में ही फंस जाती है। ड्रैगन वापस हमला करता है कि तभी वो उस लकड़ी के तोड़ कर अंदर चली जाती है, लेकिन उसका पैर काफी हद तक जल गया है। वो जोर जोर से दर्द के कारण चीखने लगती है कि कोई मुझे बचाओ। अब एलिडी पास के ही एक कोयले को अपने ड्रेस के एक छोटे से बॉक्स में रखती है रोशनी के लिए और गुफा के अंदर जाने लगती है। सामने उसे एक छोटा सा पैसेज दिखाई देता है, इसीलिए वो घसीटते हुए उसके अंदर जाने लगती है। लेकिन वो रास्ता नहीं होता बल्कि एक खाई होती है जिसमें वो अचानक से गिरते चली जाती है। वो एक जगह पे आकर गिरती है, उसका शरीर को काफी ज्यादा चोट आई हुई थी। सामने उसे काफी अजीब सी रोशनी दिखाई देती है और वहीं से बाहर जाने का रास्ता होता है, इसीलिए बड़ी मुश्किल से दौड़ते हुए दूसरी तरफ जंप मारती है। लेकिन वो एज पे लटकने लगती है, लेकिन उसे याद आता है कि उसके पास एक छुरी होती है जिसके मदद से फाइनली वो ऊपर आ जाती है। अब यहाँ पे वो देखती है कि पास में काफी सुंदर रोशनी है। वो पास जाकर देखती है तो ये एक तरह के इंसेक्ट्स होते हैं जिनसे काफी सुंदर रोशनी आ रही होती है। अब एलईडी कुछ कीड़ों को अपने ड्रेस के बैग में रख देती है लाइट के लिए और सामने के बर्फ से वो पानी पीने के लिए जाती है। लेकिन तभी उस बर्फ के ऊपर से ड्रैगन उस पर हमला करते हुए आग फेंकती और सीधा नीचे आ जाती है। ये देख एलईडी एक दूसरे गुफा से नीचे छुपने के लिए जाती है, लेकिन ड्रैगन उस गुफा तक नहीं पहुंच पाती और उसे कहती है कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उधर छुप जाओ, लेकिन ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी, और ड्रैगन निकल जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि काफी सारे लड़कियों ने अपने नाम लिखे हुए है। ये सारी लड़कियां अलग अलग राज्य की राजकुमारी ही थी जिन्हें शादी करके यहाँ पे लाया गया था। वहाँ पे ये भी लिखा हुआ था कि ये जगह सेफ है, ड्रैगन यहाँ नहीं आ सकती। अब इसी के साथ एलईडी की आंख लग जाती है, लेकिन बीच रास्ते में ही उसे सारी राजकुमारियों के सपने आते हैं और डर कर वो उठ जाती है। तब वो देखती है कि जो कीड़े उसने लाए थे वो उसका खून सींच रही है, लेकिन तभी वो देखती है कि ये कोई साधारण कीड़े नहीं है, जादुई कीड़े है और इन कीड़ों ने उसके जख्मे को पूरा ठीक कर दिया है। जले हुए सारे जख्म ठीक हो गए थे। अब पास के ही दीवार पर उसे एक मैप बना हुआ दिखाई देता है जो पहले की ही काफी सारी लड़कियों ने बनाया है, जिसमें बाहर जाने का रास्ता दिया होता है। इसीलिए वो तुरंत उन जादुई कीड़ों को लेकर ड्रैगन से बचते हुए दबे पाव उस गुफा से बाहर निकलती है और मैप को फॉलो करते हुए वो एक जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पे ऊपर से काफी रोशनी दिखाई देती है, यानी कि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो जगह पूरे नुकीले क्रिस्टल से भरी हुई थी। वहीं पर उसे विक्टोरिया नाम के लड़के का क्राउन भी मिलता है, यानी कि विक्टोरिया यहाँ से बाहर निकली हुई है। इसीलिए उसे हौसला आता है और उसी क्राउन की मदद से वो ऊपर चढ़ने लगती है। वही ड्रैगन नीचे से ये सब कुछ देख रही होती है। अब बड़ी मुश्किल से वो ऊपर चली जाती है और उसे सामने जमीन दिखाई देती है। खुश होकर वो भागने लगती है, लेकिन एज पर आते ही उसे समझ आता है कि ये अभी भी पहाड़ी के ऊंचाई पर है, सामने जमीन नहीं गहरा कोहरा है। वो देखती है कि कुछ लोग पहाड़ी के तरफ आ रहे हैं, जिन्हें देखकर वो जोर जोर से पुकारने लगती है कि मुझे बचाओ, मैं यहाँ पे कैद हूँ। लेकिन बाहर से अचानक ड्रैगन उस पर हमला कर देता है और कहता है यहाँ से तुम कभी भी बच नहीं पाओगी और तुम्हारे हर एक जनरेशन को मुझे 3 सैक्रिफाइस देने होंगे। और ड्रैगन उसे आग से जला नहीं जाता है कि तभी नीचे से कोई जोर से एलईडी को आवाज लगाने लगता है। ये सुन के ड्रैगन उन लोगों को देखने के लिए जाता है। वही गुफा के अंदर एलईडी के ही पिता कुछ लोगों के साथ एलईडी को बचाने के लिए आए हैं। अब एलईडी भी यहाँ पर क्रिस्टल वाली वॉल से नीचे उतर आती है और वो गुफा से बाहर आते हुए एक जगह पर आती है जहाँ पे ड्रैगन का काफी सारा खजाना था। लेकिन उसी के साथ ड्रैगन के बच्चे उसे मरे हुए दिखाई देते हैं और यहाँ पे मूवी का प्लॉट समझ आता है। मूवी के स्टार्टिंग में ओरिया का राजा इस राज्य को हासिल करने आया था, लेकिन ड्रैगन के कारण वो पॉसिबल नहीं था। और ड्रैगन को मारने के लिए जब वो इस गुफा में आया था तब ड्रैगन के अंडों में से उसके बच्चे भी बाहर आ रहे थे। ये देख उसके सैनिकों ने उन तीनों भी बच्चों को मार दिया था। ड्रैगन ये देखकर आग बबूला हो जाता है और सारे लोगों को मार देता है राजा के सिवाय। राजा उससे मिन्नतें करने लगता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन ड्रैगन कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार दिया है, अब तुम्हें भी उसी दुख से गुजरना होगा, तुम्हें भी अपनी 3 राजकुमारियां मुझे देनी होगी। और इसी तरह हर एक पीढ़ी के राजा को अपने 3 प्रिंसेस को ड्रैगन को सैक्रिफाइस देना है। लेकिन आगे चलकर रॉयल फैमिली ड्रैगन को गुमराह करने लगी। ये लोग दूसरे राज्य के लड़कियों की शादी राजकुमार से करवाते थे
और उनका हाथ काट कर राजकुमार का खून उनके हाथ में मिक्स करते थे। और उसी स्मेल के कारण ड्रैगन को लगता था कि ये लड़कियां भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। ये बात एलईडी को समझ आती है। अब प्रेजेंट में हम ड्रैगन को देखते हैं कि कुछ लोग जो एलईडी को ढूंढते हुए यहाँ पे आए थे वो उन सबको मार देता है सिवाय एलईडी के पिता के। अब ड्रैगन उसके पिता को बताता है कि एलईडी अभी भी जिंदा है और आसपास ही छुपकर ये सब कुछ देख रही है, तुम उसे बुलाओ। अब फाइनली एलईडी के पिता एलईडी से कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था कि अपने लोगों को बचाने के लिए मैं ये सौदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक बुजदिल इंसान हूँ जिसने अपने बेटी का सैक्रिफाइस किया है। अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि तुम बाहर मत आना। ये सुनकर ड्रैगन एलईडी के पिता को बुरी तरह से जख्मी कर देता है और मारने वाला था कि तभी एलईडी की रोने की आवाज उसे सुनाई देती है और ड्रैगन उसे ढूंढने के लिए आता है। वो एलईडी को पकड़ने ही वाला था कि तभी एक दूसरे इंसान की आवाज आने लगती है जो इनके साथ आया हुआ था। ड्रैगन उड़कर उसे ही देखने जाता है। यही मौका देख एलईडी अपने पिता के पास जाती है तो उसके पिता बताते हैं कि तुम्हारी स्टेप मदर और बहन फ्लोरिया शिप में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम रोप का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ के यहाँ से भाग जाओ, और दम तोड़ देते हैं। अब एलईडी रस्सी की मदद से भागने लगती है लेकिन ड्रैगन वापस आ जाता है और उसके ऊपर आग से हमला करने लगता है, लेकिन कैसे तैसे एलईडी भाग कर बाहर आ जाती है और घोड़ा लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन बीच रास्ते में ही वो घोड़े को छोड़कर पत्थरों के बीच में छुप जाती है और ड्रैगन उस घोड़े को जला देता है, जिसके बाद ड्रैगन जाकर पर्वत पर पूरा आग का बवंडर बना देता है। देखते ही देखते हर जगह आग फैल जाती है। ये देखकर क्वीन को भी काफी गुस्सा आता है। अब ड्रैगन को सैक्रिफाइस देने के लिए क्वीन उसी जहाज में जाती है और स्टेप मदर को जख्मी करके फ्लोरिया को किडनैप कर लेती है ताकि एलईडी के बदले में वो उसकी बलि दे। अगले दिन एलईडी उन्हीं पत्थरों से उठती है और जहाज की ओर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे स्टेप मदर मिलती है जो जख्मी है। वो एलईडी को सुरक्षित देख खुश होती है और उसे कहती है कि वो लोग फ्लोरिया को उठा के लेके गए हैं, मुझे उसे बचाने जाना होगा। लेकिन एलईडी कहती है कि मुझे वो जगह पता है, मैं चली जाती हूँ, और उनका घोड़ा लेकर निकल जाती है। तो यहाँ पे क्वीन फ्लोरिया की बलि देने जाती है, लेकिन हेनरी उन्हें मना करता है कि फ्लोरिया अभी भी बच्ची है, लेकिन क्वीन नहीं मानती है और वो उसकी हथेली और खुद की हथेली काट कर खून मिक्स कर देती है, जिसके बाद उसे सीधा नीचे फेंक देती है। अब ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर लेकर जाने लगता है। तो यहाँ पे एलईडी भी रस्सी से गुफा में वापस आ जाती है और सोल्जर के सामान इकट्ठा करके एक ट्रैप तैयार करती है और नीचे आकर अपने पिता की तलवार लेकर ड्रैगन की तरफ जाने लगती है और छुप जाती है। तो यहाँ जो उसने ट्रैप सेटअप किया था वो एक समय के बाद बंद हो जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। ये आवाज सुन के ड्रैगन वहाँ पे आता है। अब यही मौका देखकर वो फ्लोरिया को जगा कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन समझ जाता है कि ये ट्रैप है, इसीलिए वो आधे रास्ते से ही वापस आ जाता है। ये देखकर दोनों भी दूसरे डायरेक्शन में छुप जाते हैं, लेकिन एलईडी अपनी तलवार लेकर ड्रैगन के सामने आ जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि मैं रॉयल फैमिली से नहीं हूँ, हम दोनों को भी धोखा दिया गया है। लेकिन ड्रैगन उसकी बात नहीं मानती और उस पर आग से हमला कर देती है, लेकिन एलईडी नीचे पानी में गिर जाती है, लेकिन वो काफी हद तक जख्मी हो गई है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन ड्रैगन उसकी तरफ आकर उसे पकड़ लेता है और नजदीक जाके उसके ऊपर वार करने वाला होता है कि तभी एलईडी एक छोटे चाकू से उसके आँख को मार देती है और जख्मी कर देती है, जिसके बाद इन दोनों के भी बीच में काफी लड़ाई होती है। लेकिन अंत में एलईडी एक जगह पर आकर खड़ी हो जाती है जहाँ पे हवा रिफ्लेक्ट हो रही थी और उसे एक आइडिया आता है, वो चालाकी से वही जाकर खड़ी हो जाती है। अब ड्रैगन आग से उसके ऊपर हमला करने ही जाता है, लेकिन वो पूरी आग रिफ्लेक्ट होकर उसी को लग जाती है और ड्रैगन काफी हद तक अपनी ही आग से जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। अब एलईडी उसे बताती है कि मेरे हाथ में उन्होंने रॉयल ब्लड मिक्स कर दिया था और उसी के कारण तुम मुझे भी उसी फैमिली से समझ रहे हो, सेम घाव सारे लड़कियों के हाथ पर है, जैसे उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है वैसे ही तुमने भी इनोसेंट बच्चियों को सदियों से मारते आ रही हो। अब ड्रैगन को भी उसकी गलती रियलाइज हो जाती है और वो कहती है कि फिर तुम ही मुझे मार डालो, यही मेरी सजा है, और एलईडी तलवार लेकर जाने लगती है, लेकिन वो उसे नहीं मारती। इनफैक्ट वो पास
के ही नदी से वही जादुई मछलियाँ निकालती है और उसके घाव को ठीक कर देती है। जिसके बाद हमें राज्य दिखाया जाता है जहाँ पर तीसरे शादी का जश्न चल रहा होता है। लेकिन तभी एलईडी की वहाँ पे एंट्री होती है। वो स्टेज में जाकर खड़ी होती है और हेनरी उसे समझाने आता है, लेकिन उसे रोकते हुए वो न्यू ब्राइड को कहती है कि तुम अपने परिवार को लेकर यहाँ से चली जाओ। जिसके बाद वो सारे लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास एक चांस है, अभी के अभी यहाँ से भाग जाओ क्योंकि सब कुछ राख में बदलने वाला है। और तभी ऊपर ड्रैगन आकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी लोग भागने लगते हैं। एलईडी भी वहाँ से निकल जाती है और तभी ड्रैगन रॉयल फैमिली को पूरा जला देता है, यानी कि ये रिचुअल अब वापस नहीं होगा। अब कहानी के अंत में एलईडी का अपने स्टेप मदर के साथ रिलेशन अच्छा होता है और तीनों जहाँ से घर जाने निकलते हैं और ड्रैगन भी उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ आता है। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।